हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक नया सॉफ्टवेयर जिसमें कि जिसका नाम है ओडेसिटी। और ये एक बहुत ही अच्छा एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसे हम यूज़ करके अपने ऑडियो को मिक्स कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जैसे कि आप सपोज़ करो गिटार रिकॉर्ड कर रहे हो, अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो एक गिटार का फाइल एक अलग होगा, आपका वॉइस जिसमें रिकॉर्ड हुआ है वो फाइल अलग होगा, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट अगर कोई रिकॉर्ड कर रहे हैं आप तो उसका साउंड अलग फाइल में रिकॉर्डेड होगा। और लास्टली एक सॉन्ग बनाने के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको मिक्स करते हैं या मास्टर करते हैं, तो उस केस में हम ऑडेसिटी का यूज़ करते हैं। और एक बहुत ही ये फ्री सॉफ्टवेयर तो है ही, लेकिन मैं कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, क्योंकि तक अगर एक बिगिनर की बात करूँ तो ऑडेसिटी उसके लिए बहुत ही बेहतर है। और चलिए तो फिर देखते हैं देर किस बात की, ऑडेसिटी को शुरू करते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहां पर से तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ऑडेसिटी मैंने खोल दिया है और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हुए हैं। ये सब मेन्यूज हैं, इसको आप चाहें तो ऐसे करके ड्रैग करके आप उसे कहीं भी रख सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है तो मैं यहीं पे रखता हूँ। और आपको जैसे मतलब सुविधा हो आप इसे इन सब टूल्स को उस तरह से अरेंज करके रख सकते हैं। मैं तो यूँ रखता हूँ इसे, सॉरी यहाँ पे। आइए देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ के क्या क्या दिया गया है। तो ये फाइल है, फाइल मेन्यू में न्यू प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए कंट्रोल एन, ये शॉर्टकट भी है, और यहाँ पे क्लिक करके भी आप न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। देखिए एक नया ऑडेसिटी खुल गया। मान लो आप यहाँ पे इस पुराने वाले पे आप यहाँ पे कुछ कुछ कर रहे थे, कोई काम कर रहे थे, और मतलब कुछ एडिटिंग वगैरह चल रहा था, मिक्सिंग चल रहा था, और आपको मन किया कि आपको एक ऑडियो है उसको अलग से कुछ एडिट करना है, उसमें छोटा सा कोई नॉइज़ है उसको हटाना है, तो आप चाहें तो उसे तुरंत में एक फाइल मेन्यू में जाके न्यू में या फिर कंट्रोल एन दबाकर डायरेक्ट एक नया ऑडेसिटी खोल सकते हैं। इसमें उस छोटे से फाइल को या जो भी आपको पोर्शन को एडिट करना है उसे एडिट करके फिर उसे एक्सपोर्ट करके सेव कर लें। एक्सपोर्ट यहाँ ऑप्शन रहता है, एक्सपोर्ट करके सेव कर लें। देखिए एक्सपोर्ट ऑडियो, तो उसे एक्सपोर्ट करके उसको MP3 या किसी भी वेव फॉर्मेट में सेव कर लें और फिर उसे यूज़ करें अपने पुराने वाले फाइल में। अब आते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ओपन में आप किसी भी तरह के MP3 फॉर्मेट्स या फिर किसी भी जो भी मीडिया फॉर्मेट्स होते हैं, MP3 हो गए, MP4 हो गया, या फिर कोई आपका वेब फॉर्मेट हो गया, वो सबको आप ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप ओपन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलेगा, हर सॉफ्टवेयर में जैसे होता है कि एक विंडो खुलेगा, उसके बाद आप जाकर जहाँ कहीं भी आप MP3 वगैरह सेव करके रखे हों, जो भी आपका लोकेशन है वहाँ पे आप जाएं और आपकी फ़ाइल जहाँ पे सेव है, जो जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हो वहाँ जाकर आप ओपन कर सकते हैं। इस प्रकार से मैं आपको एक करके दिखा दे रहा हूँ, जो कि MP3 फाइल मैं ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मैं ये MP3 फाइल ओपन करके आपको दिखाता हूँ, ओपन इस तरह से। ये पहले MP3 जो भी है उसको वो कंप्रेस्ड फॉर्मेट में रहता है, उसको अनकंप्रेस करेगा यहाँ पे, उसको रीड करेगा, उसके बाद खोलेगा। अब ये खुल गया, तो ये L और R लिखा हुआ है, ये लेफ्ट पैनल, ये लेफ्ट तरफ वाला साउंड होता है स्टीरियो। जब भी कोई साउंड स्टीरियो फॉर्मेट में होता है, कहने का मतलब ये है कि वो आपके लेफ़्ट ईयर में और राइट ईयर में, जैसे कि आप ईयरफोन लगाते होंगे तो ईयरफोन में दो पॉइंट से आवाज़ निकलता है, एक लेफ्ट तरफ से, एक राइट तरफ से। तो जो लेफ़्ट है आपका लेफ़्ट जो चैनल है उसको साउंड बढ़ा देगा, और जो ये राइट चैनल है, जो चैनल आउट है राइट का, उस पर साउंड बढ़ा देगा। और सेंटर पर रखने से लेफ़्ट और राइट दोनों को कंबाइन करके बैलेंस वे में साउंड देगा। इसको तो हालांकि ये सब तो एडिटिंग की चीज़ है, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज एक जनरल ओवरव्यू ले लिया जाए कि आखिरकार ऑडेसिटी है क्या चीज़ और उसमें सारा चीज़ रहते कहाँ हैं और किन टूल्स से क्या होता है, टूल्स कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ पे टूल्स रहते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्लोज से तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्लोज हो जाएगा। सेव प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मतलब
प्रोजेक्ट उसे हम कहते हैं, जैसे कि आप ये ऑडेसिटी चल रहा है, यहाँ पे कोई एडिटिंग चल रहा है आपका, यहाँ पे कोई एडिटिंग चल रहा है, तो एडिटिंग को आप चाहते हो, मैं आपको कोई काम आ गया बीच में, आप बीच में एडिटिंग को छोड़ के कहीं जा रहे हो, तो उस आप क्या करो कि अपना प्रोजेक्ट को सेव, प्रोजेक्ट करके इस प्रोजेक्ट को सेव कर लो, ताकि फिर वो जो फाइल बने उसे आप फिर से आके दोबारा खोल कर ये कर सकते हो, दोबारा खोल कर एडिटिंग रिज्यूम कर सकते हो, फिर से स्टार्ट कर सकते हो। फिर आइए देखते हैं सेव कंप्रेस्ड कॉपी ऑफ प्रोजेक्ट, ये सब है, चेक डिपेंडेंसीज वगैरह, एडिट मेटा डाटा। मेटा डाटा होता है क्या कि कोई भी जैसे कि ऑडियो फाइल है तो उसमें एक डेटा होता है उसके अंदर कि आर्टिस्ट वगैरह सब डाला हुआ रहता है, आर्टिस्ट कौन है, कंपोजर कौन है, वो सब, तो वो सब मेटा डाटा को एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इम्पोर्ट ऑडियो लेबल्स MIDI एंड MIDI इसे हम कहते हैं, और रॉ डाटा, ये आपके काम की चीज़ नहीं है ज़्यादा, आप ध्यान से बस, आप जो मैं आपको बताऊँगा वो सब ध्यान से आपको सुनना है। एक्सपोर्ट ऑडियो जो यहाँ पे लिखा गया है ये बहुत ही काम की चीज़ है, इसी से आप लास्टली MP3 फॉर्मेट में या किसी और अन्य फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं आपका जो फाइनल फाइल होगा जो आप शेयर करना चाहते हैं, या फिर जो आपका फाइल बनेगा MP3 फाइल वो इसी ऑप्शन से बनेगा। अब आइए देखते हैं एडिट में क्या क्या दिया गया है। अंडू ट्रैक रिमूव, मतलब जो कुछ भी, अगर आपने कोई ट्रैक को अभी यहाँ पे पैनल में यहाँ पे डाला था एडिट करने के लिए, उस ट्रैक को आपने तुरंत हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो उसे अंडू करने का काम यहाँ से होगा, रिडू करने का काम यहाँ से होगा। कट डिलीट कॉपी पेस्ट, ये सब जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये सब यहाँ उतने काम के नहीं है, क्योंकि ये सब का शॉर्टकट आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ देखिए ये कट है, ये साइलेंट करने के लिए है, तो ये सब सारे टूल्स जो यहाँ पे दिए गए हैं उसके वजह से इन 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 ऑप्शंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इन टूल्स के साथ भले उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, अब डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या दिया गया है, कि रिमूव स्पेशल, स्प्लिट कट, स्प्लिट डिलीट, साइलेंस ऑडियो, ट्रिम, ये सब भी उतना काम का नहीं है। क्लिप बाउंड्रीज, लेबल्ड ऑडियो, सेलेक्ट, मूव कर्सर, ये सब तो, शो क्लिपिंग, जूम इन जूम आउट, ये जूम इन जूम आउट ये दिया गया है आपका, जैसे कि मैंने अभी एक फाइल, ये जो फाइल था, ये फाइल को अगर ऐसे मैं अपना कर्सर घुमा रहा हूँ, देखिए माउस का कर्सर मैं घुमा रहा हूँ तो ये जूम इन और जूम आउट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है व्यू में जाके कि जूम इन एंड जूम नॉर्मल जूम आउट, ये ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ये यहाँ उसको, उस ऑप्शन को अवेल करने के लिए आपको यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर्सर को कंट्रोल दबा कर, कीबोर्ड में कंट्रोल दबा कर माउस के कर्सर को घुमाएं तो आपका ये जूम इन और जूम आउट होगा। और आगे देखते हैं कि क्या दिया गया है। फिट इन विंडो, मतलब ये आपका जो फाइल है वो पूरा का पूरा फिट हो जाएगा विंडो में, और फिट वर्टिकली, मतलब ऊपर नीचे भी, मतलब सीधा सीधे वर्टिकली भी ये फिट हो जाएगा। अगर आप किसी एक ऑडियो को एडिट कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही ऑडियो फाइल, जैसे कि मैंने आपको दिखा रहा हूँ, एक ऑडियो फाइल को एडिट कर रहे हैं, तो आप इसे जूम वर्टिकली भी कर सकते हैं। और गो टू सेलेक्शन स्टार्ट, अगर कोई सिलेक्शन करके रखे हुए हैं आप, जैसे कि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके रखा हो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का सिलेक्शन है, तो व्यू में जाके गो टू सेलेक्शन स्टार्ट में जाऊँगा तो मेरा जो प्ले का जो कर्सर होता है जहाँ से मैं प्ले होगा ये साउंड, वो यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट में। आइए देखते हैं कि आगे क्या क्या दिया है। कोलैप्स ऑल ट्रैक्स, सारा ट्रैक्स को कोलैप्स करना, मतलब इसको एक्सपेंड, ये एक्सपेंड हो गया और ये कोलैप्स हो गया, तो सारे ट्रैक्स को अगर कोलैप्स करना है आपको तो एक एक करके कितना कोलैप्स करेंगे, छोटा छोटा करेंगे, क्योंकि जब मिक्सिंग और मास्टरिंग करते हैं तो बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, तो इन सारे ट्रैक्स को अगर मैं एक्सपैंड करके रखोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा देखने में, आपको बड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि कौन सा ट्रैक किस चीज़ का है, तो इसीलिए जिस ट्रैक का काम कंप्लीट हो जाता है एडिटिंग करते समय, उसे हम ऐसे मिनिमाइज़ कर देते हैं या फिर कोलैप्स कर देते हैं, तो उतने सारे ट्रैक्स को एक ही साथ कोलैप्स करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया है, कोलैप्स ऑल ट्रैक्स, शो क्लिपिंग, हिस्ट्री वगैरह, टूल बार,
टूल बार भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि ये जो टूल बार्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अगर इन यहाँ पे मान लो सपोज़ करो इसको ऐसे कर दिया मैं, तो यहाँ पे एडिट वाला जो टूल बार था वो हट गया। फिर जाऊँगा मैं टूल बार्स में और एडिट टूल बार में जाऊँगा तो एडिट वाला टूल बार जो है देखिए फिर से आ गया है। और इसका लोकेशन मैं यहाँ पे रखता हूँ, हमेशा इसे यहाँ पे सेव करके रखता हूँ ताकि मुझे मतलब एक आदत सी हो गई है कि एडिट वाले को मैं यहाँ पे रखता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है यहाँ पे रखना। और आगे देखते हैं, टूल बार्स हो गया, ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब टूल बार्स हैं। मतलब अवेल करने के लिए आपको यहाँ ट्रांसपोर्ट मेन्यू में आने का ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ प्ले बटन है, पॉज बटन है, स्टॉप बटन है, आगे पीछे जाने के लिए, स्किप करने के लिए, ये सब दिया गया है। तो उसके लिए उतना यहाँ पे आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। टूल बार आपके लिए, आपको ट्रांसपोर्ट टूल बार दिया गया है इसीलिए आपको ट्रांसपोर्ट मेन्यू में आने का दरकार नहीं है। रिकॉर्ड बटन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए रिकॉर्ड, टाइम रिकॉर्ड, अपेंड रिकॉर्ड। अपेंड रिकॉर्ड मतलब होता है कि आप जो रिकॉर्ड किया हुआ, रिकॉर्ड किया गया चीज़ है उसे आप डिस्कार्ड करके नया कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं अपेंड रिकॉर्ड। अब आगे देखते हैं कि क्या है। ट्रैक्स, ऐड न्यू मोनो ट्रैक मतलब होता है जिसमें कि सिर्फ एक चैनल है, मतलब लेफ्ट और राइट स्टीरियो नहीं है। और स्टीरियो ट्रैक मतलब होता है जिसमें दोनों चैनल्स हैं, चैनल लेफ्ट और चैनल राइट, मतलब दो चैनल से आवाज़ बाहर निकलता है जिसमें, उसे हम कहते हैं स्टीरियो ट्रैक। लेबल, लेबल करना है किसी ट्रैक को, अगर लेबल करना है उसको आपको देना है कि ये ट्रैक जो है ये गिटार वाला ट्रैक है, तो उसे आप लेबल कर सकते हैं गिटार के नाम पे। वही सब यहाँ पे दिया गया है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको खुद जो जब मैं एडिट करूँगा, मिक्सिंग करूँगा दो ट्रैक को, तो आपको मैं खुद बताऊँगा और आप बहुत ही आसानी से समझ भी जाओगे, क्योंकि आपको एक लाइव एग्जांपल मैं दे दूंगा कि किस तरह से मिक्सिंग और मास्टरिंग किया जाता है ऑडेसिटी में। एफेक्ट्स, एफेक्ट्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, एफेक्ट्स जो मेन्यू दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जब आप वीडियो ऑडियो को एडिटिंग कर रहे होते हैं, कुछ ऑडियो में नॉइज़ है तो नॉइज़ रिडक्शन के लिए आप यहाँ पर नॉइज़ रिडक्शन पर जा सकते हैं। एम्पलीफाई है, अगर ऑडियो में साउंड बड़ा कम आ रहा है तो आप उसे एम्पलीफाई कर सकते हैं, साउंड को अच्छा बना सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। और ऑडियो डक वगैरह है, बेस और ट्रेबल। बेस मतलब होता है जो भारीपन होता है, जो ऑडियो में जो बीट होता है, बीट वगैरह होते हैं तो उसे बेस कहते हैं। ट्रेबल जो छनकार होता है उसे हम ट्रेबल कहते हैं। पिच वगैरह चेंज करने का ऑप्शन यहाँ भी दिया गया है। टेम्पो मतलब स्पीड को चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। इको इफेक्ट डाल सकते हैं आप। इक्वलाइजेशन मतलब होता है आपका जो बेस ट्रेबल वगैरह को बार फॉर्मेट में आप ऊपर नीचे करके आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। फेड इन और फेड आउट, मान लो अगर कोई ऑडियो है जिसका लास्ट पॉइंट में आप चाहते हैं कि अचानक से, मतलब अचानक से उसका ऑडियो बहुत ही ज़्यादा लाउड था और तुरंत में ख़त्म ना हो जाए, आप उसे स्लो स्लो करके फेड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसे फेड आउट भी हो जाएगा। मतलब कि बेसिकली आपको इफेक्ट्स विंडो, इफेक्ट्स मेन्यू में आपको सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे। रिवर्ब, ये भी काम का इफेक्ट है, जब भी कोई गाना बनता है तो उसमें रिवर्ब डाला जाता है, इको डाला जाता है, इक्वलाइजेशन सेट किया जाता है, तो ये सब मोस्टली यूज़ होने वाले इफेक्ट्स हैं। यहाँ पे नीचे और इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, डिले वगैरह, तो वोकल इन्हेंसर, वोकल रिमूवर, सारे कुछ मिल जाएंगे। वोकल रिमूवर जो कराओके वगैरह बनाया जाता है, जैसे कि कोई गाना है अगर आप चाहते हैं कि उसमें से सिंगर का आवाज़ को हटा दिया जाए और कैरियोके बना के मैं खुद गाऊंगा उस साउंड को, उस गाने को, तो आप यहाँ से उसे कर सकते हैं वोकल रिमूवर से। और फिर आते हैं एनालाइज। एनालाइज जो है ये फाइनल, जब भी कोई प्रोजेक्ट को फाइनलाइज़ करना होता है तो जब आप फाइनल टच दे रहे हों तो उस समय एनालाइज को यूज़ हम करते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रास्ट, प्लॉट स्पेक्ट्रम, फाइंड क्लिपिंग, बीट फाइंडर, इससे आप बीट फाइंड कर सकते हैं किसी भी साउंड ट्रैक में, साउंड फाइंडर, साइलेंस फाइंडर, ये सब एनालाइज करने वाला काम है। और हेल्प, ये उतना कुछ काम का मेन्यू नहीं है, ये आप जैसे कि अबाउट ऑडेसिटी, ऑडेसिटी के बारे में कुछ जानना चाहते हो, अपडेट्स वगैरह अगर इसके लिए कुछ नया आया है तो आप उसे यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। बस तो ये एक आपको ऑडेसिटी का टूर मैंने दे दिया कि किस तरह से आखिर
ऑडेसिटी का ये एक इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने कि किस तरह से ऑडेसिटी हम यूज़ कर सकते हैं, मेन्यूज़ में कौन क्या क्या ऑप्शन होते हैं, और ये बहुत ही अच्छा एक सॉफ्टवेयर है गाने को मिक्स करने के लिए, साउंड फाइल को एडिट करने के लिए। सो बने रहें, मैं नेक्स्ट लेसन आने जो लब जब लाऊंगा तो आपको एक मैं एक लाइव रिप्रेजेंटेशन करके दिखाऊंगा, लाइव इलस्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं किसी भी दो साउंड को या तीन साउंड को किसी एक कैरियोके ट्रैक को सिंगर के वॉइस के साथ किस तरह से सिंक करना है, और किस तरह से किसी एक फाइनल एक MP3 फाइल को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो बने रहे मेरे साथ एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें चैनल को और सपोर्ट करें मुझे ताकि मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। धन्यवाद।